किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को उसके बाप की तरफ मंसूब किया जाएगा। हाँ अलबत्ता सिर्फ इशारा करना काफ़ी कि अलबत्ता बाज़ सूरतें ऐसी बनती हैं कि जहाँ बच्चे को उसके बाप की तरफ मंसूब नहीं किया जाएगा। जैसे एक फ़र्ज़ करते हैं, एक सूरत ये है कि कोई औरत, शादीशुदा औरत जिना करती है, शादीशुदा औरत जिना करती है और जो उसका शोहर है वो इनकार करता है कि ये मेरा बच्चा नहीं, जिसको हम कहते हैं लियान, तफसील में नहीं जाएंगे, जिसको हम कहते हैं लियान। तो ऐसी सूरत, लियान की सूरत में अगर औरत शादीशुदा है तो लियान की सूरत में बच्चा बाप की तरफ मंसूब नहीं होगा बल्कि माँ की तरफ मंसूब होगा, माँ की तरफ मंसूब होगा लियान की सूरत। लियान का मतलब जब औरत शादीशुदा है और उसके बाद जिना होता है और बाप इनकार करता है कि मेरा बच्चा नहीं, तो ऐसी सूरत में लियान की सूरत है कि उसने कोई एक इल्ज़ाम लगाता है कि उसने जिना, बीवी ने जिना किया है, तो ऐसी सूरत में बच्चा उसकी तरफ मंसूब नहीं होगा बल्कि औरत की तरफ मंसूब होगा। एक सूरत ये। दूसरी सूरत यह है कि कोई औरत है जो शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा नहीं है, उससे जिना की जो है हरकत होती है, जिना का जुर्म उसे सरजद होता है, तो ऐसी सूरत में भी बच्चा माँ की तरफ मंसूब होगा, जानी की तरफ मंसूब नहीं होगा अगर जानी इनकार करे या मालूम ना हो। हाँ अगर ऐसी सूरत है, हम तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ऐसी सूरत मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे मसले से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन इशारा काफ़ी कि हाँ अगर ऐसी सूरत है कि कोई जिना होता है और जानी जो है, जानी कहता है कि हाँ बच्चे को मैं कबूल करता हूँ, जिना करने वाला मर्द कहता है कि मैं बच्चे को कबूल करता हूँ, तो ऐसी सूरत में इख्तलाफ उलमाए किराम के दरमियान, जिसको हम कहते हैं फुकहा की इस्तिलाह में इस्तिलहाक, कि अगर कोई ला अपने साथ मिलाना चाहता है जानी बच्चे को तो मिलाया जाएगा कि नहीं मिलाया जाएगा, इसमें उलमाए किराम का इख्तलाफ है। इब्ने तैमिया का और अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कौल ये है कि मिलाया जा सकता है, इस चीज़ को तस्लीम किया जा सकता है, और बाज़ दूसरे फुकहा बल्कि जमहूर फुकहा का कौल ये है कि मिलाया नहीं जाएगा, और जमहूर की दलील ज़्यादा मजबूत लगती है। बस तफसीलात में नहीं जाएंगे, लेकिन ये दो ऐसी सूरतें हैं जहाँ जो है बच्चे को या बच्ची को बाप की तरफ मंसूब नहीं किया जाएगा बल्कि माँ की तरफ मंसूब किया जाएगा।